हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और 4:50 को हम ट्रेन से उतर गए थे। आगो लुक या पानी पर छिड़क के बंद करता है, हो जाएगी, जाने दो। अरे खेलने तो बच्चा है। अब बस अभी हम आए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। फर्स्ट स्टॉप है यहाँ पे, चाय पियेंगे। इसके बाद यहाँ से 2 वाटरफॉल है एंड टी प्लांटेशन है। उसके बाद हम अपने रिसॉर्ट जाएंगे और वहाँ जाके फिर फ्रेशन अप होंगे। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम लोग एर्नाकुलम दैट इज कोची पहुँच चुके थे। अब वहाँ से बस थोड़ी देर में हम लोग मुन्नार पहुँच जाएंगे। और ये देखिए क्यूट सा स्नेल। बाथरूम इतना गंदा था कि मैं दौड़ते हुए बाहर आ गई। मैं बिल्कुल ऐसे गंदे बाथरूम को यूज़ भी नहीं कर सकती, तो हमने डिसाइड किया कि हम ब्रश आज खुले वातावरण में करेंगे। तो सारे अपने ब्रश निकाल के बाहर ही ब्रश करेंगे। हेलो, बोलो खाना खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे। इडली बोलो, इडली इडली बोलो, इडली। ये गर्म पानी है, ये पीएगी रायका। हाय, से हाय। पर ये अभी धुन से खाएगा तो फिर रायका अपनी धुन में है। एक व्हाट हाय शहर की छोरी मेरी ले ले राम राम सुबह शाम तेरे नाम शहर की छोरी मेरी ले 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 राम राम मेरी ले ले राम राम सुदैया ने जी कर के बबल के में होवे पूरा भी ना होवे अपनी लड़ाई दी बात के होवे जाने पूरा भी ना होवे मुझे मजबूरी नो दुनिया दी। ये लोगो है ना, और वाला ट्रिवेंड्रम वाला लोग है। ओह माय गॉड, ओह माय और ये हमारे निखिल सिंह चौहान सिंगापुर रिटर्न, मेकअप करवा रहे हैं बीवी से और सर पे गोरे हो गए हैं। सर पे गोरे हो गए और गालों में काले हो गए। सर गोरा हो गया, चीक्स गोरे हो गए बस। और ये हम सब तैयार होके बस झरना देखे जा रहे हैं। बस टॉप पहना है, नीचे पहना है। नहीं, मैं जगत मौसी। हेलो, ये खुलता कैसे? अरे इधर इधर। अब हम निकल गए हैं एक वाटरफॉल देखने के लिए और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत, मतलब जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा होगा, बट हमने तो वहाँ पे इसको फील किया है एंड बहुत ही सुंदर रास्ता था ये। सो यही है वो वाटरफॉल, चियापरा वाटरफॉल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। मैंने जो इमेजिन किया था वो कुछ और ही था। मुझे लगा हम सारे लोग वाटरफॉल में नहाएंगे, इनफैक्ट हम कपड़े भी लेके गए थे, बट जब यहाँ गए तो पता चला कि ये सिर्फ एक रोड साइड वाटरफॉल है जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहाँ जाते हैं बस एक पिक्चर्स खिंचवाने के लिए, बट यहाँ पर आप नहीं नहा सकते क्योंकि इसमें आप जा ही नहीं सकते, बिकॉज ये तो एक इतना सा पानी है और इसमें पता नहीं, आई डोंट नो। ये वाला तो मेरा डे वन का जो एक्सपेक्टेशन था वाटरफॉल से, वो तो मुंह के बल गिरा। लेट्स सी आगे क्या क्या हम देखते हैं, बट अ बिग नो फॉर दिस। अगर यहाँ लेके जाने के बाद आपसे कोई भी गाइड करे तो प्लीज़ जस्ट से नो। केरला अगर जाएं तो यहाँ के पाइनएप्पल ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज मैं इस पर बैट कर सकती हूँ कि इससे अच्छे पाइनएप्पल आपने कहीं भी नहीं खाए होंगे। यहाँ पे इसकी खेती भी होती है जो कि मैं आपको आगे वाले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और इस वजह से यहाँ का जो टेस्ट और फ्लेवर है ना, बहुत ही डिफरेंट है। फिर कुछ दूर पर एक और वाटरफॉल देखा हमने, पता नहीं यहाँ कैसे जाएँ, बस दूर से देख लिया, इसकी वीडियो बना ली, दैट्स इट। बट पता नहीं वाटरफॉल के नाम पे हमें बस ये 2 चीज़ दिखाया गया। मैंने पता नहीं बहुत कुछ इमेजिन किया था कि हम वाटरफॉल में नहाएंगे, बट इन वेन। कोई नहीं, इसके बाद हम निकले और यहाँ का एक बहुत ही फेमस इंडियन स्पाइस एंड हर्बल गार्डन है। इसका वीडियो मैं आपको अलग से व्लॉग में दिखाऊंगी, बिकॉज ये आई थिंक 10-15 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज हमारे इंडियन स्पाइसेस के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो दैट थिंग मैं वो अलग से लगाऊंगी, बिकॉज ये व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा फिर।
दो घंटे यहाँ पे समय बिताने के बाद हम निकले वापस अपने मुन्नार के लिए, और जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी में बहुत फन किया हमने। मुन्नार से हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, लेट्स सी मुन्नार उस पर उतर पाता है कि नहीं। सो फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन द मुन्नार क्वीन। गाइस मैं ये आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप मुन्नार जा रहे हैं तो यहाँ पे स्टे ज़रूर कीजिएगा। ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, बट हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आया। इसका स्विमिंग पूल आप मिस मत करना, मैं बस अब व्लॉग में कंटिन्यू किया मैंने। 7th फ्लोर पे इनका स्विमिंग पूल है, बहुत ही अच्छा स्टे था यहाँ पे। सो ये मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि अगर आप कभी मुन्नार जा रहे हैं तो द मुन्नार क्वीन ये नाम याद कर लीजिए और यहाँ पे स्टे ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे हमारा आगू है, इसका क्रॉक्स है क्या गाड़ी में बेबी? कुछ हाय वाय भी कर देती, मुझे कहता तो नारो भी याद नहीं दिख रही ना तुम्हें। चीतल से हेलो, हाय, तू भी सुनेगी मेरे जैसे। मिला Hello. Hi, Raika. Raika is entering. She's the princess, and princess is entering into the queen. यारों हमें माफ करो, हम नशे में हैं। Hi, baby. चेक इन कर लिया है हमने और 308 ये मेरा रूम है फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। एंड ये रूम का टूर मैं आपको करा दूँ। राइट हैंड साइड पे है हमारा बाथरूम जो कि काफ़ी क्लीन था, बहुत अच्छा बाथरूम। एंड यहाँ से ये हमारा स्पेस बेड एरिया, एंड इसी के बस ये साथ में जैसे आप देख रही हैं मिरर लगा हुआ था मेकअप करने के लिए, और यहाँ से बालकनी का व्यू भी काफ़ी अच्छा था। 308 मेरा था और ये सबसे कॉर्नर में, और ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे 4 रूम देख रहे हो इसमें बाकी लोगों ने स्टे किया था। और अब हम सब तैयार होकर निकल रहे हैं स्विमिंग पूल के लिए, काफ़ी थकान हो गई है और सुबह तो बस फ्रेशन अप हुए थे, नहाए तो नहीं थे, तो अभी हम जा रहे हैं पूल में नहाने। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, या बहुत मज़े किए हैं यहाँ पर। बस बाकी लोग आ जाएँ तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा चिल कर लिया जाए और मौसम का मज़ा ले लिया जाए। तो हम अब रिसॉर्ट के 7th फ्लोर पे हैं और 7th फ्लोर पे ये हमारा है पूल। एंड एज यू कैन सी ये दो लड़कियां पोज करती हुई, और निखिल जी ऑलरेडी पानी में जा चुके हैं दोनों बच्चों को लेके, ठीक है। एंड शैली इज वेटिंग आउट, एंड शिवानी भी आधी पानी में घुस चुकी है। एंड एज यू कैन सी हाय रायका, से हाय रायका, ओगो थम्स अप दे दो, थम्स अप। अभी बाकी लोग आए नहीं है, सो वी आर वेटिंग फॉर देम। अब जैसे ही सारे लोग आएंगे तो फिर हम भी पूल में जाएंगे एंजॉय करने। सो हियर इट इज द मुन्नार क्वीन, एंड सारे लोग आ गए हैं और बस ये मेरा लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं पूल में जंप करने वाली हूँ। 3, 2, 1 को मेरे पति को ये स्विमिंग कर रहे हैं हम, मैं भी कर रही हूं, मेरी भी। एंड यहाँ पे नंदन जी एंड चप चप स्विमिंग करते हुए निखिल जी, शीतल मेरा भी स्विमिंग करते हुए, हाँ बढ़िया स्विमिंग। और ये कंपटीशन चल रहा है स्विमिंग का, कौन जीता कौन जीता यार, ये नहीं आ रहा, मेरी शक्ल छुपा जा। एंड क्या है वो टपस लाइफ, तो ये मेरा चैनल मोनेटाइज होने की खुशी में हिप पार्टी, हैप्पी बर्थडे आज का लंच भाभी की दोस्त से।